नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज। पेरिस ओलंपिक में मंगलवार 30 जुलाई का दिन भी भारत के लिए मंगलकारी रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत की जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, जो इस पेरिस ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल रहा है। भारत इस तरह पेरिस ओलंपिक में मेडल टेबल में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 33वें स्थान पर है। वहीं जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। शूटिंग के अलावा बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी जैसे खेलों में भी भारतीय एथलीट्स ने 30 जुलाई को कैसा प्रदर्शन किया है, चलिए आपको बता देते हैं। वहीं भारत अब कौन से मुकाबलों में मेडल जीत सकता है वो भी जान लेंगे। वहीं बता दें कि पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर धाकर एथलीट बनकर उभरी हैं। उन्होंने एक के बाद एक 2 मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है। अब मनु के पास एक और इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। जी हाँ, मनु भाकर आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जिन्होंने 30 जुलाई को सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर इतिहास रच दिया। ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 ओलंपिक में 200 मीटर फर्राटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीते थे, पर वह उपलब्धि आज़ादी से पहले की थी। भारतीय जोड़ी ने कोरिया के ली बोनहो और ओ ये जिन को 16-10 से हराकर देश को इस ओलंपिक में देश को दूसरा पदक दिलाया है। इससे पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता था। स्टार शूटर मनु को अभी 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी उतरना है और उनके पास तीसरा पदक जीतने का भी मौका है। इस इवेंट के मुकाबले 2 अगस्त से शुरू होने वाले हैं।